बिस्मिल के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वादा तो यह है कि अगर ऐसी सूरत हाल हो तो औरत को यह चाहिए कि बस उसको क्या है उससे दूध पिला दे पिलवा दे और उसमें फिर यह है कि एक माँ सगी माँ उसका जो मामता है वो किसी और समझ से तकलीफ मत दो ये क्या है इसकी मां है बच्चे की तो लिहाजा जैसे मर्जी है जी हमें नहीं पता अगर आपको इतना शौक है तो फिर ठीक है आप करें اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضا وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها لا تضار والده بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فان ارادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جُناح عليكم إذا سَلَّمتم ما آتيتم إذا سَلَّمتم ما آتيتم بالمعروفِ

ये उस शख़्स के लिए है जो मुकम्मल दूध पिलाना चाहे व मौलूद लहू वललमूदिलहू रस्क वकिसवतना बिलमूफ़ और बाप पर लाजिम है कि वो उन माओ को नान नफका और उनको कपड़े दस्तूर के मुताबिक दे ला लातकल्फ़ुनफसन इल्ला वसहा नहीं तकलीफ़ दी जाएगी किसी जान को मगर उसके बस के मुताबिक लात दौर व व व न तो मुशक्कत में डाला जाएगा माँ को अपने बच्चे की वजह से वला मऊलूदल्हू बेवल और न ही बाप को औलाद की वजह से वाललवार मिसल और वारिस पर भी इसी तरह है फ इन अरा फाल बस अगर वो दोनों माँ बाप चाहें दूध छुड़ाना अन तरद होमां आपस की रजामंदी से व तशावर और आपस में मशवरे से फला जुना हाल हिमा बस उन पर कोई गुनाह नहीं है दोनों पर व इन अरत तुम अं तस्तर औलाद तुम और अगर तुम चाहो कि अपनी औलादों को किसी और औरत का दूध पिलाओ तो फला जुना हालाम तुम पर कोई गुना नहीं है इदा सल्लम आते तुम बिलम जबकि तुम उनको दे दो वो जो तुमने उनके साथ मुकर किया है दस्तूर के मुताबिक वकुल्ला और अल्लाह से डरते रहो वम और खूब जान लो अन्ला बिमा तम बसर के बेशक अल्लाह तुम कुछ तुम करते हो उसको देखने वाले हैं ववालदा तो यद ना औलाद उन्ना हौलई निका मिलई सकर सौ तैतीस है तलाक के मसाइल चल रहे थे तलाक़ ही के जिमन में दूध पिलाने का ये मसला है असल में अगर औरत को तलाक हो जाए और औरत बाल बचेदार हो अभी अभी उसके बच्चे की विलादत हुई है तो अब वो क्या करेगी इस बच्चे को दूध पिलाने का क्या है एक तो यह है कि आम रूटीन के मुताबिक मियां बीवी है और बच्चे को दूध पिलाना है एक ये है तलाक की सूरत में इद्दत के दौरान और एक ये है कि बाद अज इद्दत इद्दत मुकम्मल हो गई है इद्दत के दौरान तो उसका नान नफका सुखना हर चीज खावन के जिम्मे है ये तो हमारे यहां है हमारे निराले दस्तूर हैं कि इधर तलाक तो निकल जाए मेरे घर से ऐसा नहीं है ये जो इज्जत गुजारेगी उस इज्जत का नाम नफका हर चीज जिम्मेदार ख़ावंद है खावंदत में है तो उसका वो सारे कुछ का जिम्मेदार है बाहर के इन तमाम सूरतों में कुरान के तहवल वालदा तो यदना औलाद उन्ना हौलैनी का माए दो साल दूध पिलाएं बच्चे को मुकम्मल लेमन आरा तम्रदा इसमें थोड़ा सा अख्तिलाफ है कि मुद्दत रदात क्या है दूध पिलाने की मुद्दत क्या है तो इमाम मालिक रहमत फरमाते हैं कि वो तीन माह है और जमहोर फुका कहते हैं कि दो साल है इमाम आदम अबू हनीफर अहमत फरमाते हैं कि अढ़ाई साल है अढ़ाई साल तक अगर क्योंकि इसके ऊपर कई मसाइल आगे मुरतब होते हैं कि अगर अढ़ाई साल के बाद बच्चे की उम्र अढ़ाई साल होगी उसके बाद किसी का दूध पिया तो फिर उसे रजात साबित नहीं होती जिनका कौल दो साल का है उनके यहाँ अगर दो साल के बाद उसने किसी का दूध पिया तो फिर रजात साबित नहीं होती क्योंकि बड़े मसाइल हैं रजात के बाद औवका औरतें इन चीजों का ख्याल नहीं रखती और जिसका भी बच्चा देखा उसको भतीजा है भांजा है और उसको दूध पिला दिया बाद में फिर मसाइल होता है जो सगी माँ से रिश्ता होता है रजाई माँ के साथ हो इस दूध पीने वाले बच्चे उसकी बहन इसकी वैसे ही खाला है जिसकी सगी खाला है उसकी जो दूसरे बच्चे हैं वो इसके ऐसे ही बहन भाई है जैसे इसके अपने सगे बहन भाई है फिर उनकी औलादें इनकी भाइयों के औलादें भतीजे और भतीजियां हैं बहन की औलादें जो है वो भांजियां हैं तो ये सारे मसाइल हैं इसमें इनकी वजह से बड़ा एहतियात करना पड़ता है तो इस वजह से मुद्दत रिदात जो है उसको देखना पड़ता है कि ये मुद्द किस वक्त दूध पिलाया गया बाहर के यहाँ पर तो सिर्फ इतना मसला है इंशाल्लाह सूरह अहकाफ में इसका तफसील से बात आएगी के तवल अरादा अगर कोई पर दो साल दूध पिलाना चाहता है तो वो दो साल तक माए अपने बच्चों को ये वो माए है जिनको तलाक हो चुकी है और उनके पास बच्चे है तो बच्चे उनके हवाले कर दे असल में बच्चा होता है बाप का बच्चा बाप का है अब जब बाप का है तो माँ जो है यह भी हमारे माशरे की एक बहुत बड़ी खामी है अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम फरमाए हाँ जी कई घराने ऐसे मालूम हैं कि बच्ची जो है वो किसके हवाले कर दी है माँ के और बेटा जो है वो क्या है हजरत साहब मूछो पर हाथ गैरत और हया नहीं है बदबخت तेरी औलाद है और वो किसी के यहां पल रही है लेकिन शर्म और हया हो तो कोई बात हो ना आजकल शर्म और हया कहां है शर्म नाम की चीज उसका जनादा कब से घरों से निकल चुका है गैरत कहां है बहरहाल औलाद है तो उस औलाद का जिम्मेदार बाप है कई पंचायतों में हम बैठे और धड़ल्ले से बाप कहता है ये मुझे नहीं चाहिए ये बच्चे ले जाओ इनको और मैं इसकी किसी चीज का जिम्मेदार बाद में भी नहीं हूंगा तू तो दस दफा कहे हजार मरतबा तू कहे मैं जिम्मेदार नहीं हूं शरान वो आपकी वारिसा है जी कल को जब तेरी आंखें बंद होनी है ये बच्ची और बच्चा आपके क्या होंगे वारिस होंगे आप एक नहीं हजार मरतबा लिख दें शरीयत के कानून को आपका बाप नहीं बदल सकता मैं और आप लिख दें कि जी मेरे और आप पर नमाजे पांच नहीं चार है तो हो जाएंगी वैसे तो यह भी हुक्म है कि नहीं होनी आपके लिखने से क्या होता है जी हमने स्टाम्प पे लिखवा लिया है तू स्टाम्प पे लिख ले तू जरा नीचे जा तुझे स्टाम्प तेरे मुंह पे मार दिया जाएगा सिर्फ दो फुट नीचे जाने की देर है इधर आंखें बंद होनी और वहां पर स्टाम सामने आ जाना है अल्लाह के हुक्मों का मदाक उड़ाते हो तो यह है कि अगर ऐसी सूरत हाल हो तो औरत को यह चाहिए कि बस उसको क्या है उससे दूध पिला दे पिल दे, और उसमें फिर यह है कि एक मां सगी मां उसका जो मामता है वो किसी और का नहीं हो सकता न दादी का है ना नानी का है न खाला का है न किसी का है जो ने हजरत मरियम से फरमाया परेशान होगी फरमाया परेशान क्यों होती हो फुलीराबी आप तादा खजूर है यह खाए बेहतरीन ठंडा पानी है यह पिए और अपने बच्चे को देखकर आंखें ठंडी करें विलादत की जो तकलीफ है इसका तो मर तस्वर भी नहीं कर सकता कि यह है क्या चीज इसी से अंदाजा लगाए दो मुख्तलिफ तफसरें हैं एक तफसीर यह भी है कि हजरत मरियम फरमाती दर्दी फाजाई जब दर्द शुरू हुई विलादत की दर्दे शुरू हुई तो वो दर्द ऐसी थी कि फरमाया काश में मर चुकी होती इससे पहले मैं ये दर्द देखती ही ना और मैं नापेद हो चुकी होती होती ना दुनिया में तो लेकिन जब रब्बुलमी अल्लाह अकबर अल्लाह ताला ने मामता ऐसा रखा है जैसे ही वो बच्चा देखती है वो सब तकलीफें दूर हो जाती है आंखें ठंडी हो जाती है। तो मां का चूंकि मामता है इसलिए उसी के पास रहने दे जुल्म की इंतहा होती है कि बच्चे क्या कर लेते हैं छीन लेते हैं छोटे छोटे और वो मां क्या है वो तरसती रह जाती है कि हमने जानवर देखे जानवर अल्लाह कभी हिलना महाल होता है लेकिन उसके बच्चे को हाथ लगाए तो वो चाहे गिरे जो मर्जी हो लेकिन वो फिर कोशिश करती है कि मैं अपने बच्चे के पास जाऊं ये अल्लाह तबारा ने उसके अंदर ये खासियत रखी हुई है बाप के अंदर वो चीज नहीं है वरना रात को जब बच्चा ई करता है बाप उठे ना क्यों नहीं उठता हम सब माशाल्लाह शादी शुदा बच्चों वाले हैं कभी हम उठे हमें पता भी नहीं होता और वो बेचारी उठ के उसने सारा कुछ करके और उसका सब कुछ बदल कर और सब कुछ करके वो क्या है वो सारा कुछ उसको पता चलता है कि हाँ मेरे बच्चे को क्या है और ये आराम जगह खराटे लेके सो रहा बाद में कहता जी मैं तु, 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 तु। तो लेमन अरादा यू थे मर्रदा सबसे पहले उसको दे वाल मौलूद लहू रिस्क हन्न व किस्वत बिल मारू हाँ बाप की जिम्मेदारी क्या है उनका खाना पीना और उनका कपड़ा लत्था ये सब कुछ उनके बाप के जिम्मे है दस्तूर के मुताबिक ये दोनों के लिए लातुकल्लफ नफ्सुनिल्लाह वुसअहा किसी इंसान को उसके बस से ज्यादा मुकल्लफ तकलीफ में नहीं डाला जाता साथि मिन कुदर अगर खाता पीता है उस हिसाब से उनका खर्चा उठाए और अगर क्या है दरमियाने दर्जे का है उस हिसाब से गरीब है आदमी उसकी कमाई है टोटल आठ नौ सौ रुपये वो की दिहाड़ी वो करता है तो फिर उस हिसाब से क्या करेगा बच्चे के भी और उसकी माँ का खर्चा उठाएगा क्योंकि वो उसके बच्चे को दूध पिला रही है उसके बच्चे की देखभाल मा इस इसकी माँ है बच्चे की तो लिहाजा जैसे मर्जी है जी हमें नहीं पता अगर आपको इतना शौक है तो फिर ठीक आप करें और ना ये कि बाद बात लड़की वाले जो है वो ज्यादती करते हैं कि वो लड़के की हैसियत वो नहीं होती और उससे ज्यादा क्या करते हैं मुतालबा शुरू कर देते हैं नहीं अगर बाप होना कोई गुना थोड़ी है तो, उसका बाप है, तो उसकी क्या है खाल छील नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए उसकी हैसियत के मुताबिक उससे मुतालबा करना चाहिए वो नस्तर बच्चा यतीम है तो फिर वो रसा पर भी ऐसे ही है ये बड़ा मुख्तसर जुमला है इसकी तफसील है कि फिर बच्चे के जो वो रसा हैं उन बच्चे के वो रसा में जो जो हैं उनको जैसे उनका हक रसदी है उस हिसाब से उन पर खर्चा भी होगा यानी बाद में विरासत में जो उनको जैसे हिस्सा मिलता है आठवा मिलता है चौथाई मिलता है तिहाई मिलता है उसी हिसाब से इस बच्चे का खर्चा भी वो उठाएंगे ये नहीं उधर मिरास के लिए तो सब पहुंच जाते हैं और हाँ हाँ, हाँ हमारे यहाँ बेशुमार लोग ऐसे के बेचारा सारी जिंदगी कसम पुरसी की जिंदगी गुजार देता है इधर उसकी आंखें बंद होती मैं जी इसका भां जाऊं मैं जी भतीजा हूं भाई जिंदगी भर कभी पूछा है भांजे भतीजे ने लेकिन अब मकान के लिए क्या है विरासत के लिए सब आ जाते हैं क्यों मैं, मैं तो भांजा हूं जी जो मर्जी हो जाए मैंने अपना हिस्सा लेना है उसकी जिंदगी में उसकी जो जरूरियात है और उसकी उसके जो हकूक है वो भी तो अदा करना यह नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ विरा, विरासत के लिए आप क्या है भांजे और भतीजे बन गए और उसके अलावा जिंदगी भर कभी आपने पूछा तीन दिन बाद पता चलता है कि जी घर से कोई बदबू आ रही है अंदर पता चलता है वो बेचारा कब कफ होत हो चुका होता है और फिर सब आकर जो है वो कल्फ वाले कपड़े पहनकर आ गया कि हो रहे होते हैं जी ये क्या है हमारे मामू थे जी ये जी हमारे फलाने थे जी ये नहीं है पहले भी उसका जरा आपस में करके मुशावर बाहमी रजामंदी से अगर बच्चे का दूध छुड़ाना चाहते हैं तो ठीक है दूध छुड़ा ले कोई तो ऐसी बात है। नहीं है कोई गुना नहीं है वह नरत हाँ एक सूरत यह भी है कि एक माँ का दूध मुजर सेहत है बाद हो जाता है या ये है कि माँ दूध ही नहीं है या यह है कि मां बीमार और कमजोर है इतनी कमजोर है कि अगर दूध पिलाए तो उसकी बीमारी और कमजोरी और बढ़ सकती है तो फिर यह है कि किसी और का पुराने में में तो बड़े आराम से मिल जाते थे इस दौर मिलना जरा मुश्किल है तो फिर जो बाजारी दूध है उस पर क्या करना है गुजारा करना है वह नारत तुम लेकिन अगर कोई मिल जाए मुर्दे दूध पिलाने वाली मिल जाए तो फिर क्या है उसे दूध पिला दो लेकिन जो उसके साथ तय हो वो उसको अदा करना है दस्तूर के मुताबिक यह नहीं कि अगर कोई क्या है गरीब गरबा है तो उसको क्या है दो चार सौ रुपए में नहीं दस्तूर के मुताबिक अगर आपकी बीवी इस तरह करती तो उसको कितने पैसे मिलने चाहिए थे हाँ हाँ फिर वही बात आ जाती है जब हम कई जुमों से कह रहे हैं कि उस वक्त तक कोई शख्स मोमिन न हाँ हाँ जब तक अपने भाई के लिए वही पसंद ना करे जो अपने पसंद करता है हाँ हाँ यहाँ ऐसे बड़े मसले हल होते हैं खुदा के सदी को सामने रखे ना कोई मसला रहता नहीं है फिर किसी मुफ्ती के पास जाने की बस इस अंदर के मुफ्ती से पूछे कि अगर मेरे साथ हो तो मेरे साथ क्या हो मैं अपने लिए क्या चाहूंगा कि मेरे साथ क्या होना चाहिए तो फिर अंदर के मुफ्ती आपको खुद बता देगा कि मसला क्या है और क्या नहीं है जायज़ क्या और नाजायज क्या है सही क्या है गलत क्या है तो हर हाल फरमाया दस्तूर के मुताबिक उसको दो वकुल्ल और अल्लाह से डरते रहो अल्लाह से यह कम है ये हदूद है इनमें अल्लाह तला से डरते रहो कहीं कमी बेशी हो गई तो पकड़ होनी है क्यों वालमरुन वसीर हेर फेर करोगे तो वो देख रहा है उससे छुपा नहीं सकते हो सब कुछ उसके सामने है तो फिर वो सामने रख देगा फिर वहां पर कोई जवाब नहीं बनेगा ये बसना। आगे जो इद्दत का मसला है बेवा का कि बेवा की इद्दत क्या है उसका जिक्र किया इंशाल्लाह जी كما <تأكلم> صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ارحمنا بالقران العظيم اللهم ارحمنا بالقران العظيم اللهم ارحمنا بالقران العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه يا رب العالمين اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار واجعله لنا حجه يا رب العالمين اللهم نور قلوبنا بالقران وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا, أمورنا بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين جزاكم الله